हेलो व्यूअर, कैसे हो आप? इस समय है किचन में हूँ और बना देखो क्या नहीं है। ये जो है ना मैक्रोनी, तो परसों बनाई थी ना, तो ज़्यादा बच गई थी, मैंने निकाल के रख ली थी। तो ये बची हुई मैक्रोनी है, इसको आज बनाना है। उस दिन हमने सब्जियाँ डाल के नॉर्मल वाली बनाई, आज व्हाइट सॉस वाली बनाएंगे। पहले दूध डाल दिया, मैदा नहीं डालने वाली, दूध डाला। ये मलाई पड़ी है मेरी, फुल क्रीम दूध मंगाया था, इसकी आधी मलाई डाल लूँगी मैं, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इधर सारा सामान तैयार है मेरा, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गाजर, इसमें है दो तरह की शिमला मिर्च और ऊपर बंद गोभी। हाँ, इधर इसमें है दो तरह की शिमला मिर्च और बंद गोभी, और ये आपकी जो है वो सोयाबीन की बड़ियाँ, और ये आलू। सारा सामान कटिंग वाला तैयार है, अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं बस फटाफट। लीजिए व्यूअर, इधर मेरा मक्खन मैंने डाला है इसमें आज, और मैं डाल दूँ इसमें अब मक्खन के लिए डाल देते हैं, और इसको हिला लेते हैं बस का तड़का लगा के, मक्खन में तड़का लगा के सारी सब्जियां गलानी। पहले हार्ड वाली सब्जियां डालूँगी, गाजर और आलू डालूँगी पहले, फिर बढ़िया डालूँगी, फिर लास्ट में वो डालूँगी शिमला मिर्च। ठीक है, इसको करना ही था। ये दूध में भी मेरा पक रहा है, ये देख लीजिएगा, दूध थोड़ा और ऐड किया था, जो दिखाया था आपको कम था, थोड़ा और ऐड किया है, मलाई डाल दी है इसमें आधी, थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा ना, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। बस इसको दूध में अच्छे से पका लेते हैं आराम से, गैस स्लो कर रखी है, तेज में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। चलो, इधर मेरी तड़का लग रहा है, मैं जल्दी से सारा तड़का लगा लूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये रेसिपी तो पहले भी कई बार शेयर की है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाने वाली। और आज आपको बता दूँ, आज है 1 सितंबर, नया महीना शुरू, और ये हमारा मैक्रोनी मैं क्यों बना रही हूँ, क्या है कि पार्टी गई है मामा के घर, वहाँ वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रही है। आज सुबह उसने खाई मैक्रोनी, तो ये कह रही मेरे को भी बना के दो, तो ये कह रही कि चलो वो खा रही है नॉर्मल वाली, मैं खाऊँगी व्हाइट सॉस वाली। तो मैंने कहा ठीक है, पड़ी तो है ही है मेरे पास, मैं बना देती हूँ, क्या दिक्कत है। तो चलो शुरू कर देते हैं, काम ख़त्म करते हैं, फटाफट बना दे इसको। चलिए व्यूअर्स, देखिए सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें, थोड़ा सा पानी भी, पहले मैंने हार्ड वाली डाली थी, इसको गलाने के थोड़ा सा टाइम के बाद फिर दूसरी डालूंगी। ठीक है, सब सब्जियाँ डाल दी गई हैं, थोड़ा सा और अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब मैं सोची इसमें मसाले डाल दिए जाए, नमक वगैरह, नमक डाल लेती हूँ मैं। ये देखिए नमक डाल रही हूँ, नमक, थोड़ी मिर्च, वैसे रेड वो वाली डालूँगी, मेरे चुनाई डालूँ तो अच्छा है, वो मैंने ना दूसरी सॉस वाली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, घर का पिसा हुआ, हल्दी तो नहीं डालनी क्योंकि मैं बना रही हूँ व्हाइट वाले, हल्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मेन तो चले डल गए हैं, एक ये वाला डालना है शाही मसाला, ये डाल लेती हूँ अभी, हाथ में मोबाइल है इसके, थोड़ा सा 2 मिनट रुक के डालती हूँ। ये देखो जितनी सारी सब्जियाँ ऐड करी है ना, पास्ता कम था तो उसकी क्वान्टिटी बढ़ जाएगी, कम नमक होगा तो बाद में और ऐड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं अब वो शाही मसाला डाल लेती हूँ। पहले मैंने इसका टेस्ट करके सब्जियों का देख लिया था, ठीक था, और ये मैंने डाल दी इसके अंदर मैक्रोनी। ठीक है, अब बाकी के मसाले भी जो डालने वो डाल लेती हूँ। ये है आपका चिल्ली फ्लेक्स, वो डाल रही हूँ, ठीक है, कम पड़ गए तो और डाल लूँगी। ये है ऑर्गेनो, ऑर्गेनो आ गए, ठीक है। वो उसके बाद डालेंगे ये वाली हमारी चीज़ वाली सॉस है, ये मैं हमारी कौन सी सॉस है ये बता रही हूँ, वाइट चीज़ है ये, वाइट चीज़ भी थोड़ा ऊपर से डाल लेते हैं, मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, आ रहा है बाहर, थोड़ा सा ऐड करते हैं, अच्छा लगेगा। फिर रेड वाली सॉस भी डालूँगी, निकल रहा है थोड़ा सा, दबाना पड़ेगा, आ रहा है, बस कितना का डालना है देखना पड़ेगा मुझे। चलो 1 मिनट में पहले दूसरी वाली सॉस डाल लेती हूँ, ये मेरी है पेरी पेरी सॉस, बस ठीक है, ये डाल ली। चलो अब मेरी चीज़ भी डल गया, थोड़े से चिली फ्लेक्स और डालें, सबको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है, फिर मैं नमक, फिर मैं टेस्ट करूँगी कि
कि नमक वगैरह ठीक है कि नहीं। अब देखिए कितने क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आया, क्योंकि तो इसका दूध का असर है इसमें। दूध मैंने थोड़ा थोड़ा रहने दिया था, जब मैं उबाल रही उसको, उसमें दूध में इसको डाल के उबाल रही थी ना, हल्का हल्का दूध मैंने उसमें रहने दिया था और गैस बंद कर दी थी, ताकि वो जो दूध है इसका कुछ असर इसमें भी आ जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूध होगा ना तो सब्जियों में मिक्स हो जाएगा। ये ली हो गया, अब ये बन गए। बस अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ और ज़रूरत पड़ी तो वो टमाटो सॉस डाल दूँगी। ठीक है, बस कैसे हो आप? इस समय ना रात के 10 बज रहे हैं, फिर इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और सामान डिब्बों में डाली थी, दो डिब्बे निकाल दिए फिर धोने के लिए, वो देखो। और खाना मेरा बन भी गया, तो देखिए मैंने क्या बनाया है। दोपहर को राजमा भिगो दिए थे और फिर मैंने उबाल लिए थोड़ी देर पहले, तड़का मिक्सी में करके लगा भी दिया। देखिए राजमा मेरे तैयार हैं, इसमें मैगी मसाला भी डाला है मैंने, तो राजमा के साथ आज ना मेरा मन कर रहा था राजमा चावल खाने का, तो ये चावल भी रेडी है मेरे बस। पर अभी जो मैंने कहा कनिका ना के आ गई है, नहाने गई थी भी थोड़ी देर पहले, ना के आ गई। और ये देखिए डिब्बों में मैं सामान डाल रही थी, मेरी ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैंने नीचे ड्रम से सामान निकाला, तो जो मेरे गरम मसाला भी ख़त्म था, जीरा भी ख़त्म था, मतलब डिब्बों में ख़त्म हो गया था। और हल्दी अभी डालने लगी हूँ, फिर थोड़ा सा मैं ये डालूंगी। मेरा हाँ बेसन भी डब्बे में ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं तो खुद बेसन यूज़ करती रहती हूँ। कल मैंने शाम को पता क्या किया था, कल मैंने रात को बनाई थी वो सब्ज़ी आलू घिया की, ठीक है। और जो करेले हैं वो इतने स्वादिष्ट हैं कि साथ में हम थोड़े करेले रख लेते, जो मैंने अभी कल परसों ही बनाए हैं, परसों बनाए थे शायद। और चलो एक मिनट बात, हेलो व्यूअर, खाना मेरा बन गया है, बस 5 मिनट में डिब्बों में डालती हूँ। ये ना मैं हल्दी डालने लगी थी डिब्बे में, और मेरी चाय पत्ती भी ख़त्म थी डिब्बे में, मैं वो भी डाल लूँ, जीरा भी डाल दिया, और क्या कहते हैं गरम मसाला भी डिब्बे में डाल दिया नीचे से निकाल के, बेसन और ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें डालनी रहती हैं, उनको डालने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। मेरी अभी रसमलाई पड़ी हुई है, मैं मज़े से खाती हूँ, मुझे बड़ी स्वाद लगती है। बस उसमें एक ही दिक्कत हो गई ना, उसका जो पनीर सा निकला था ना, मैंने निकाला था उसको क्या करना था, ठंडे पानी से अच्छे से धोना था, वो मैंने धोया नहीं। मैंने सोचा इन्होंने जब दही चबाया तो खट्टा तो डाला ही नहीं वो वैसे ही फट गया था, तो मैंने उसको धोया नहीं, पर उसको धोना था, क्योंकि उसका ना वो जो मैंने बनाया ना तो उसमें थोड़ा खट्टापन का टेस्ट आ रहा है, मतलब बस और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहली बार ही बनाया, मैंने कौन सा पहले कभी बनाया, ठीक है। और आज कुछ खास नहीं बनाया मैंने, आज क्या बनाया था, आज बस मैक्रोनी बनाई थी, तो जो मैक्रोनी थी ना, स्वाति का फ़ोन आया, उसका आज आने का मन कर रहा था, तो मैंने बेटा बोला बेटा कि तू देखो अपनी मर्जी से गई थी, अब मर्जी से तेरा घर है, अपने आप आ जा मर्जी से, है ना। उसमें पूछेगी के बात है कि मम्मी मैं आ जाऊँ, उसमें क्या अपना घर है, जब मर्जी आ जब मर्जी जा, ठीक है। तो वो फिर आज आने वाली थी, तो उसको जब मैंने बताया ना कि मैंने मैक्रोनी वो बनाई है वाइट सॉस वाली मैक्रोनी, और है भी बहुत टेस्टी बनी है, ऐसी बात नहीं है। उसके पापा भी दोबारा लेना चाहते, सब दोबारा लेना चाहते थे, थोड़ी सी थी ज़्यादा नहीं, दोबारा लेने के लिए, ठीक है। तो बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि दूध में बनाई थी ना मैंने। तो हुआ क्या कि फिर जब उस समय ही मैं स्वाति से बात कर रही थी, तो उसने वो कह रही मेरे को मैं आ रही हूँ, तो मैं कहा ठीक है, कहती नहा के निकल रही हूँ, मैं कहा ठीक है आ जा। तो उसके लिए फिर मैंने रख ली संभाल के, और रसमलाई ये भी पड़ी है, इसको आएगी तो उसको भी टेस्ट करा दूँगी मैं, पड़ी हुई है, पर आज आने वाली थी वो नहीं आई है, कुछ काम ज़रूरी पड़ गया जिसकी वजह से वो नहीं आई, तैयार भी हो गई थी पूरी, पर एंड टाइम पर फिर कोई काम पड़ गया इससे नहीं आई, ठीक है। और इसके जो मामा है, दूसरे मामा, वो टूर पर गए हुए हैं काफ़ी दिनों से, वो कल आने वाले हैं, ठीक है, कल आ जाएंगे दोपहर तक। तो मैंने कहा चल उनसे मिलकर ही, आज इतने दिन, आज पता है को 10वां दिन था, 10वें दिन से वहाँ जाकर डेरा लगा के बैठ गई आराम से, का मन लग गया तो बैठ गई आराम से, ठीक है। चलो मैंने ये तो डाल दिया, अब मेरा रह गया बेसन डालना, उसके बाद चाय पत्ती भी डालनी है, लेकर आई हूँ मैं भी चाय पत्ती, वो पड़ी उधर से लेकर आई हूँ, कनका ना के आ गई, तो मैंने कहा बेटा अभी खाना डालती हूँ, ठीक है। तो कल आएगी वो दो शाम तक, और अभी पता मैसेज आ गया है उसका BSNL का कि बिजली वालों का कि कल लाइट जाएगी 10 से 2, तो काम मैंने कहा जल्दी जल्दी जो काम मेरे को करना है वो कर लूँ, डब्बों में डालने वाला सामान क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना डाला हो तो ठीक है। उसके बाद जो है कल वो आ जाएगी कहीं इस बात की, और कल एक और काम है, अगर हो गया तो तब बताऊँगी खुशखबरी, अगर वो काम सिरे चढ़ गया तो, ठीक है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।